एसबीएन कॉलेज में प्रवेश हेतु सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र संगठन ने किया हंगामा। प्रिंसिपल आरएन शुक्ल ने दिया छात्रों को आश्वासन, वहीं कहा कि जल्द ही अतिरिक्त सीटों पर छात्र छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। बड़वानी के शहीद भीमा नायक कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए सीट बढ़ाने को लेकर छात्र संगठन द्वारा कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर हंगामा किया। छात्रों द्वारा सभी संकायों में सीट बढ़ाने को लेकर दबाव बनाया गया। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल सहित प्रोफेसर ने उनकी बात सुनी, वहीं छात्रों को समझाइश दी गई। बहुत देर तक समझाइश देने पर भी जब छात्र नहीं माने तो प्रिंसिपल ने गुस्से में आकर एडमिशन नहीं देने की बात कह डाली। फिर छात्रों को 10 तारीख तक सीट बढ़ाने का आश्वासन दिया। वहीं डीएवीवी से सीट बढ़ाने के लिए भी एसबीएन कॉलेज द्वारा लगातार मांग की जा रही है। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा बताया गया कि शहीद भीमा नायक कॉलेज 1957 का होकर यहां पहले ही अतिरिक्त सीटों का प्रवेश दिया जा चुका है। वहीं आसपास के जिलों से भी विद्यार्थी यहां पढ़ने आते हैं। संगीता अवश्य सर, एडमिशन के लिए एमए में। अभी तो सर 2020 का क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर एडमिशन ही नहीं हो रहे, कब से आ रहे हम? से खड़े हो आप? 10 बजे से है आ रखे, 1 बजे तक वो मतलब फॉर्मेट लिया और बाद में बंद कर दिया हमको, मतलब अंदर जाने ही नहीं दिया, फॉर्मेट ही नहीं लेने दिया। कितने कितने छात्राएं बनी थे एडमिशन? बहुत सारे हैं सर, हम यहीं के हैं, यहीं से बीए भी करा, एमएसडब्ल्यू किया, सब यहीं से किया थी, यहीं से एडमिशन लेंगे नहीं सर? क्या बोल रहे प्रिंसिपल साहब? सर अभी वो तो बोल रहे शासन से, मतलब वो इन करेंगे सीट परमिशन मांगेंगे बोल रहे। हाउसफुल हो गई है? हाँ फुल हो गई सीटें सर, और तारीख तक हम क्या करेंगे सर? अभी तो सीट फुल हो गई तो अब फिर 10 तारीख लास्ट है तो फिर बोलेंगे नहीं होगा, तो वंचित कर रहे हैं ना सर शिक्षित से। कॉलेज में हमको पता चला था कि आज एडमिशन की प्रक्रिया होने वाली है, तो उसमें एमए एमएससी बीए इन सब सीटों पर एडमिशन हुआ, जिसमें लड़कों ने 10 बजे से लाइन लगाए हुए थे और 1 बजे बंद कर दिया गया। बल्कि लाइन में उसके बावजूद भी लड़के लगे हुए थे, तो उनको क्या है फॉर्म लेना चाहिए था। गरीब बच्चे हैं, इतने दूर से पढ़ने आते हैं, एक तो कोरोना काल भी चल रहा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से एडमिशन दे देना चाहिए। कितने वंचित होंगे लगभग? लगभग अभी यहाँ पर 250-300 के लगभग अभी पब्लिक है हमारे पास, तो इनको अभी प्रवेश दे, और बाकी जो जैसे आते हैं प्रवेश के लिए उनको दोबारा बाद में और पुनः मौका दिया जाए। अगर प्रवेश से वंचित रह जाते हैं छात्र छात्राएं, तो हम आंदोलनात्मक धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल जैसी स्थिति हम यहाँ पर कॉलेज कैंपस में करेंगे। बहुत पुराना 1957 का कॉलेज है, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस कॉलेज में 8000 की संख्या पहुंच गई थी। इस साल 5000 नए एडमिशन दिए जा चुके हैं, और कुछ बच्चे जो छोड़ के गए स्नातकोत्तर पास होकर के, तो इस हिसाब से आज भी हम लगभग 11000 के ऊपर भी संख्या में हैं, जो महाविद्यालय की क्षमता से अधिक दिखाई दे रही है। ज़िले में अन्य महाविद्यालय भी हैं और अन्य ज़िलों में भी महाविद्यालय हैं। अलीराजपुर ज़िला, धार ज़िला, बड़वानी ज़िला के बच्चे यहाँ प्रवेश चाहते हैं। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश कम है, एमए एमकॉम एमएससी बहुत कम कॉलेजों में है, आसपास के केवल यही कॉलेज है, इसलिए इन कक्षाओं में दबाव ज़्यादा है। 85 सीटों की जगह 175 सीट कर दी गई हैं, फिर भी सीट फुल हो गई। आज अन्य सीट वृद्धि के लिए शासन से हम आज पुनः निवेदन कर रहे हैं। कला संकाय में बात की है, विज्ञान संकाय में बात की है, वाणिज्य में डिमांड नहीं है। बीबीए एक हमारा प्रबंधकीय कोर्स चल रहा है, वहाँ पहली बार हर साल सीट खाली रहती थी, इस बार बीबीए में डिमांड ज़्यादा आई है। बीबीए के लिए भी सीट वृद्धि की, 50 सीट स्वीकृत थी उसकी 80 की गई थी, फिर भी सीट भर गई है। जो भी 10-20 बच्चे बचे उनके लिए हम अतिरिक्त सीटों की मांग आज कर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।